अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ैद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साइक्लिक प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। आज हम उन साइक्लिक प्रोसेस को डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स। बेसिक साइक्लिक प्रोसेस, देर आर फोर बेसिक साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्ड वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड द फोर्थ एंड द लास्ट साइक्लिक प्रोसेस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। So let us start with the adiabatic process. What is adiabatic process? An adiabatic process is a thermodynamic process in which there is no heat transfer into or out of the system. Adiabatic process thermodynamics का एक ऐसा process है जिससे जिसके अंदर ना तो heat transfer होती है into the और out of the system, ना ही हम heat ना ही system से हीट निकल सकती है और ना ही सिस्टम के अंदर हीट दाखिल हो सकती है। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। द सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी परफेक्टली इंसुलेटेड। इंसुलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, इंसुलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो हीट अंदर दाखिल हो सकती है ना ही उसमें से हीट दाखिल हो सकती है। सो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। In an adiabatic process, energy is transferred only as a work. Adiabatic process के अंदर energy transfer होती है और सिर्फ और सिर्फ as a work के तौर पे energy transfer होती है. The assumption of no heat transfer is very important. ये जो हमने assumption किया कि heat transfer नहीं होती, ये बहुत important है इस process के अंदर. Since we can use the adiabatic approximation only in very rapid process. तो एडियाबेटिक प्रोसेस हम यूज कब करते हैं? ना तो इसके अंदर हीट इंटर होती है ना ही हीट इसमें से बाहर खारिज हो सकती है, तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस यूज क्यों करते हैं? तो यहां पे बता रहा है कि हम एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन को सिर्फ जो वेरी रिपीट प्रोसेसेस होते हैं सिर्फ उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इन दीज रिपीट प्रोसेस देर इज नो इनफ टाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ हीट टू टेक प्लेस और फ्रॉम द सिस्टम। इन रिपीट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हीट के पास जो एनर्जी के पास जो है इतना टाइम नहीं होता कि वो एज अ हीट जो है ना वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए या सिस्टम से खारिज हो जाए। तो इसलिए हम एडियाबेटिक प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ एक वेरी रिपीट प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब एडियाबेटिक प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो एज वी नो दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहां पे वर्क किसकी बेस के ऊपर हो रहा है? इंटरनल एनर्जी की बेस पे हो रहा है, बिकॉज नो हीट इज ट्रांसफर इन टू द और आउट ऑफ द सिस्टम। सो नो हीट इज इंटरिंग और लिविंग द सिस्टम, सो द फर्स्ट लॉ इज डिड्यूस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हमने तो पढ़ा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ना तो हीट इंटर होगी ना उसमें से डिस्चार्ज होगी, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो है। क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो अगर इस इक्वेशन के अंदर क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम विल कॉज द डिक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी एंड द वाइस वर्सा। जो हम वर्क डन जब करते हैं बाय द सिस्टम तो वो एक डिक्रीमेंट कॉज करता है इंटरनल एनर्जी के अंदर एंड वाइस वर्सा। PVK is equal to constant, pressure volume is equal to constant, PV, P1, V1 is equal to P2, V2. Here, K is equal to Cp over Cv is the ratio of the specific heat or the heat capacities for the gas. गैस के लिए यहां पे क्या हो रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट्स की रेशियो को लिया जा रहा है। वन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर, एक हमारे पास यहां पे कांस्टेंट प्रेशर के लिए है एंड वन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज सीवी। नोट दैट दिस रेशियो के इज इक्वल टू सीपी ओवर सीवी इज अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एंड द अदर एडियाबेटिक प्रोसेस।
आपने यहां से क्या समझा कि ये जो रेशियो सीपी और सीवी है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्पीड ऑफ साउंड, गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और बाकी जितने भी एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर हम इस रेशियो को इस्तेमाल करते हैं। सो द नेक्स्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमने देख लिया कि ना तो हीट सिस्टम के अंदर इंटर होती है ना ही उसमें से खारिज होती है। सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। द हीट ट्रांसफर इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम टिपिकली मस्ट हैपन एट अ सच अ स्लो रेट इन ऑर्डर टू कॉन्टिन्यूअली एडजस्ट टू द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वियर थ्रू हीट एक्सचेंज। इसके अंदर हमारे पास जो हीट ट्रांसफर होगी इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम वो टिपिकली मस्ट हैपन होगी एट अ सच अ स्लो रेट, बहुत ही स्लो रेट उसका होगा, इन ऑर्डर टू कंटिन्यूली एडजस्ट, अगर हम उसके टेम्परेचर को कंटिन्यूसली एडजस्ट कर दें। सो इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स द थर्मल प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी वी विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हियर डी यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डी क्यू इज द हीट प्रोवाइडेड एंड द डी डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। देर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस केस के अंदर हमारे पास डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ऑल द गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन टू द वर्क डन। जितनी भी हम ऑल द गिवन टू द सिस्टम, जितनी भी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं अपने सिस्टम को, वो उसके वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो एक एग्जाम्पल हमारे पास किया, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। An isobaric process is a thermodynamic process in which the pressure of the system remains constant. इस केस के अंदर isobaric process के अंदर हमारे सिस्टम का प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। The heat transfer into or out of the system does work, but also change the internal energy of the system. हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम वो वर्क तो करती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम। हियर आर चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी एंड द चेंज इन द सिस्टम वॉल्यूम डेल्टा वी, enthalpy of the system which is defined as h is equal to u plus pv. Enthalpy is the sum of internal energy and the product of pressure and the volume represented by h. So dh minus pdv minus vdp is equal to dq minus pdv. Isochoric process, fourth and the last process is the isochoric process. An isochoric process is a thermodynamics process in which the volume of the closed system remain constant. First one के अंदर हमने देखा energy ना into the or out of the transfer नहीं हो सकती। Second में हमने देखा हमारा temperature constant रहता है। Then हमने देखा कि हमारा pressure constant रहता है। अब isochoric process है in which the pressure of the system remain constant. It describes the behavior of the gas inside the container that cannot be deformed. ये हमें किस बारे में बताता है कि गैस का बिहेवियर क्या होता है कंटेनर के अंदर जो कि डिफॉर्म नहीं हो सकता। सिंस द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट द हीट ट्रांसफर इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम डज नॉट द पी डेल्टा वी वर्क, सो बट ओनली चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। हेयर वर्क डन इज जीरो बिकॉज द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वर्क डन जीरो है क्योंकि हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, हेंस डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी। जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को वो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होती जा रही है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस इज द एमंटन्स लॉ, पी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट्स ऑल, ये हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।